हे गाइस, तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं महाजनपद के बारे में। अगेन इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आपने अब तक देख लिया कि वैदिक कल्चर तो खत्म हो चुका है, अब मेन जो है, मतलब मैं लेटर वैदिक काल की बात कर रहा हूं, अब जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेटलमेंट्स शुरू हो गई हैं, और वो हमने वैदिक काल में ही देखा था, जैसे हस्तिनापुर कौशाम्बी जैसी जगह पे सेटलमेंट्स शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे वो और बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे ही वो बढ़ी तो उसमें क्या हुआ, जनपद बने और फिर महाजनपद बने। जनपद मतलब कि जो छोटे छोटे राज्य जैसे हुए, तो उनका छोटे छोटे राज्यों के आसपास क्या हो गया, उनको बोल दिया जनपद। और जैसे जैसे उनके बीच में आपस में लड़ाइयां हो रही थी तो वो बड़े होते गए, तो वो एक तरह से हो गए महाजनपद। ठीक है, जैसे मगध है तो इसने बहुत सारे राज्यों को अपने अंडर कर लिया, तो ये हो गया महाजनपद। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत सारे जनपद अपने अंदर मिला लिए, ऐसे करके ही अलग अलग बने हैं ये। अब इनके बारे में देखते हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स वर मोनार्कियल इन नेचर, यानी कि मोनार्कियल का क्या मतलब होता है, जहां पे एक राजा है, जैसे धनानंद था, वो अगर यहाँ का राजा था मगध का, तो यानी कि राजा हुआ ना, राजा के अंडर का रूल है ना। और यहीं से देखिए धीरे धीरे जो है ये ब्राह्मण से नहीं, जो प्रीस्ट है, ब्राह्मण की जगह पे मैं बोलूंगा पुजारी है, जो उसने क्या ये लोगों के अंदर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि राजा जो है ये भगवान के तुल्य है, राजा ही भगवान है। ये बातें यहीं से निकल निकल के आ रही हैं, और राजा को ही लोग भगवान समझने लग गए। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि भगवान में और ईश्वर में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो ईश्वर है उसका ना कोई आदि है ना अंत है, उसकी ना कोई शेप है ना वेट है ना कोई वॉल्यूम है, उसको ना देखा जा सकता है, वो अलग है बिल्कुल ही, है ना, उसको बोलेंगे ईश्वर, जिसने सबको बनाया। लेकिन एक हुआ भगवान, और भगवान कौन होता है, जो ह्यूमन बॉडी में है लेकिन ईश्वर ने उसको भेजा, मतलब ये ग्रंथों में लिखा है, मैं उसी की डेफिनेशन बता रहा हूँ, खुद से नहीं कुछ बनाना। तो वो हो गया भगवान, कि वो ईश्वर तुल्य है एक तरह से। ठीक है, ईश्वर के तुल्य है लेकिन ईश्वर नहीं है वो, है ना। और आप देखें कई जगह पे जो धनवान सेठ होते हैं उनको भी पहले लोग क्या बोल देते थे, भगवान बोल देते थे। तो भगवान शब्द वहीं से आया है। आप किसी को भी, किसी राजा को भगवान बोले तो वो भी उचित नहीं है एक तरह से, मतलब भगवान बोलना तो ठीक है, ईश्वर बोले तो उचित नहीं है, भगवान बोलना एक तरह से सही है, क्योंकि भगवान का मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन को उस टाइम पे लोग भगवान बोल दिया करते थे। ये थोड़ा सा क्लैरिटी रखनी है। तो ये जो राजा होते थे ये खुद को ईश्वर समझा करते थे, भैया जो ब्राह्मण होते थे, पुजारी होते थे, वो बोलते थे कि ये ईश्वर तुल्य है, तो लोग भैया इसके खिलाफ ही नहीं जा सकते थे। इस तरह के भ्रम लोगों के माइंड में क्रिएट कर दिया करते थे मोनार्कियल रूल के अंदर। ये इसलिए होता था कि एक बड़े सेक्शन के ऊपर राज किया जा सके, लोगों को अपने कंट्रोल में रखा जा सके। और इसके साथ साथ गण संघ जो होते थे कुछ, वो इस पे रूल करते थे गण संघ, और साथ में एक ओलिगार्चियल सिस्टम होता था। अब गण संघ हो गया या ओलिगार्चियल सिस्टम, ये क्या हो गया, ये तो एक राजा हो गया मोनार्कियल रूल, ये मोनार्की क्या हो गया, एक राजा है वहां पे, वो हेड है। लेकिन अगर वहां पे 6-7 लोग मिलके, नोबल लोग, बड़े बड़े लोग मिलके अगर वहां पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ओलिगार्ची सिस्टम हो गया। ये जो एग्जाम्स है ना, वन डे एग्जाम्स, उनके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, पॉलीगैमी, मोनार्की, ओलिगार्ची, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ के साथ मैं समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो एक सेक्शन ऑफ लोग हैं, 7-8-10 लोग 15 लोग जितने भी, वो मिलके सारे के सारे राज्य को संभालते हैं, ठीक है। ये गवर्न करने की बात है और कुछ नहीं है लोगों को। एट दैट टाइम सिल्वर और कॉपर जो है बहुत ज्यादा यूज में होते थे। फिर जो मगध के अंदर देखिए, मगध जो है सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, सबसे बड़ा महाजनपद होता था। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट्स होती थी, सेनानी की हो गई जिसको सेनापति बोलते, पुरोहित हो गया, पुजारी, अमात्य हो गया जो एक तरह से एडवाइजर हो गया राजा का, उसको अमात्य बोला जाता था। फिर हम देखते हैं कि टोटल जनपद जो है हमारे पास 16 जनपद है टोटल, ठीक है भाई। अब 16 जनपद के अंदर क्या है कि जो मगध है सबसे बड़ा यही जनपद है। अब इसकी जो कैपिटल है उसको कुछ लोग गिरिवराज बोल देते थे या फिर राजगृह भी बोल देते थे। अब ये जो राजगृह है, चलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे आपको समझाऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये शक्तिशाली बना। इसकी करंट लोकेशन देखें तो आज पटना, गया, ठीक है, यानी कुल बुद्धे की बात यह है कि ये बिहार का एरिया है ना, जो मगध है उस टाइम का, जो मगध है आज बिहार मान लो। अंग प्रदेश, तो अंग प्रदेश की कैपिटल वह थी चंपा, या फिर कहें कि चंपा नगरी। अब ये आज की डेट में देखेंगे तो मुंगेर, भागलपुर, या अगेन बिहार का एरिया होगा, क्योंकि बिहार छोटा नहीं है, बिहार बहुत बड़ा है भाई। काशी की बात करते हैं तो ये वाराणसी इसकी कैपिटल होगी, और वाराणसी जो है यूपी के अंदर पड़ता है आज की डेट में। फिर कोसला हो गया, उसकी शरावस्ती हो गई, ठीक है। कोसला क्या है, एक महाजनपद है, आगे बुद्धा जो है वो भी खुद को कोसल का बताएंगे, तो ये एक फैक्ट है, वो आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो कोसला की जो होगी कैपिटल शरावस्ती होगी। फैजाबाद जो आज की डेट का है, या फिर गोंडा रीजन,
एक्सट्रीम यूपी का बोलें वो जो है शराबस्ती पार्ट हो गया या फिर कोसला का पार्ट हो गया। माला जो है ये कुशीनगर इसकी कैपिटल या पावा कैपिटल है, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट इन यूपी जो है आज की डेट का हो गया ये। और कुरू की बात करते हैं तो ये हस्तिनापुर इसकी कैपिटल, ये वही है जैसे कौरव पांडव वाला कुरू हो गया, ये अंक को आप सूतपुत्र कर्ण से याद रख सकते हैं, महारथी कर्ण से। तो ये आज की डेट का हरियाणा और दिल्ली हो गया, ठीक है। कुरु साम्राज्य कुरुक्षेत्र का आपने नाम सुना होगा, वहीं से याद रहेगा। छेदी डायनेस्टी की बात करते हैं तो छेदी जो लोग हैं उसका शक्तिमान यार ये सही है यार कैपिटल है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बुंदेलखंड हो गया। फिर पांचाल की बात करते हैं तो इसका हो गया अच्छी अहिछरता कंपिल्य, और ये आज की डेट में यूपी के अंदर है, ठीक है। फिर सुरसेना की बात करते हैं तो ये मथुरा हो गया इसकी कैपिटल, और ब्रज मंडल मथुरा रीजन ये तो आज की डेट में भी यही है, ठीक है। मत्स्य की बात करते हैं तो विराटनगर, ये यही विराटनगर है जहाँ पे पांडव छुपे थे, ठीक है। तो ये इसकी कैपिटल हुई, लेकिन अलवर जयपुर भरतपुर ये राजस्थान ये इनका एरिया है, ठीक है। राजस्थान के एरिया जो है उसी को मत्स्य प्रदेश बोला गया था, पहले राजस्थान बहुत बड़ा है तो एक पार्ट राजस्थान का आप समझ लीजिए, ठीक है। अवंती को बोलेंगे अवंती नरेश जैसे बोलते थे, है ना। तो मालवा रीजन या उज्जैन की बात कर रहे हैं हम, तो उज्जैन आज भी उज्जैन ही है, ठीक है, करंट लोकेशन में। गांधार की बात करते हैं तो उसकी कैपिटल तक्षशिला थी, तो आज की डेट में ये जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ता है। गांधार वही है जहां से शकुनी था, गांधार नरेश शकुनी। फिर कंबोज की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है राजपूत या हटाका, और ये एरिया कहाँ पे कश्मीर और हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में है। फिर अश्मिका की बात करते हैं तो ये इसकी कैपिटल होगी पोटाना या फिर पटाली, ठीक है, पटाली लड़की पटाली वहां से याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। कौन सी रश्मिका, रश्मिका को आपने पटा लिया, ठीक है, तो उससे याद रख सकते हैं इसको, बिटवीन रिवर नर्मदा एंड गोदावरी। फिर वत्सा ये इसकी जो कैपिटल है कौशंबी, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलाहाबाद आज की डेट में या फिर मिर्जापुर जहाँ से अपने मुन्ना भैया हैं, ठीक है। तो वही ये है वत्सा कौशंबी, ठीक है। और वाजी की बात करें तो इसकी कैपिटल वैशाली, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार आज की डेट में। ये करंट लोकेशंस थी, ये कैपिटल थी, और ये महाजनपद हुए, 16 है टोटल गिन लेना। अब इसके अंदर देखिए इनकी जगहें कहाँ कहाँ है, अगर आपको एक लोकेशन वाइज देखना हो तो ये देखिए मगध, और इसके आसपास ही यहाँ देखिए अंग भी है, अंग प्रदेश। मगध जो है क्यों इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे राजगिरा जो इसकी कैपिटल है ना वो पांच पहाड़ियों से घिरी हुई है, जो इसको एक तरह से बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन देती है दुश्मन से, यानी कि दुश्मन इजीली हमला नहीं कर पाता। आज की डेट में आप देखिए कि क्या नेपाल कभी किसी का गुलाम रहा, नहीं रहा, क्यों, क्योंकि वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है इसलिए कोई उसको गुलाम नहीं बना पाया। वैसे ही सेम सीन था राजगिरा के साथ, तो इस वजह से ये बहुत पॉलिटिकली और मिलिट्री के तौर पर ये स्ट्रांग रहा है हमेशा, ठीक है भाई। इसके अलावा आप ये देखिए मत्स्य प्रदेश हो गया, ये विराटनगर हो गया, यहीं पांडव छुपे थे। फिर कुरु हो गया, कुरु साम्राज्य के आसपास इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, इन्हीं के चक्कर में तो कौरव पांडवों की लड़ाई होती रही थी तब, है ना। फिर यहाँ पे देखिए कि एक गांधार हो गया, ये शकुनी हो गया, तो ये देखिए आप आधा पाकिस्तान में पड़ रहा है, आधा भारत के अंदर पड़ रहा है। फिर और जो अवंती हो गया, ठीक है, अवंती नरेश से आप याद रखते हैं, वत्सा हो गया, ये पांचाल हो गया जहाँ से द्रौपदी थी, तो ये काशी हो गया। ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिए, इनको आप याद कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स हैं वो याद रखिएगा। सबसे पहले तो जो काशी है ये किस चीज़ के लिए फेमस था, ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए और हॉर्सिस को बेचने और खरीदने की मार्केट थी एक तरह से यहाँ पे, ये दो कामों के लिए काशी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। फिर चंपा की बात करते हैं तो ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। ये मैं कहा ना, मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा एडोंस इसमें किए हैं, मैं अपने मुंह से भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बताए जा रहा हूँ। ये एकदम डिफरेंट है, ये यूनिक है, इसका आप किसी और कोर्स के साथ कोई कंपैरिजन मत करना, या किसी फ्री वीडियो के साथ, मेरी खुद की फ्री वीडियो के साथ कंपैरिजन मत कर लेना इसका, क्योंकि वहां से अगर कंपैरिजन करोगे तो एक तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाओगे, क्योंकि आगे आगे जब चलेंगे अभी चीज़ें ना बहुत वाइड होती जाएंगी, अभी तो शुरुआत हुई है, ये आधा भी नहीं हुआ, अभी ख़त्म, आप समझो इस चीज़ को, बहुत कुछ है अभी आगे, ठीक है, कमाल की चीज़ें हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये कॉन्टेंट बहुत इलैबोरेटिव वे में मैंने बताया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और याद करना तो ये समझो कि ये जैसे पूरा पढ़ लोगे ना एक बारी मेरे साथ साथ याद ही हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपके सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत फीड हो रहा है सब कुछ, मैं बताता ही ऐसे हूं। फिर वाजी की बात करते हैं, ये टोटल इसको रिप्रेजेंट किया जाता था कॉन्फेडरेसी ऑफ एट क्लैंस, आठ क्लैंस की कॉन्फेडरेसी अगर पूछ लिया जाए कौन सी है तो वाजी है। फिर जो बुद्धा डाई किए हैं, मतलब कि बुद्धा ने अपने आखिरी समय जो बिताया है वो किस जगह पर, कुशीनगर में बिताया है। फिर ये सारी क्या है, महाजनपद और जनपद के एरियाज की ही बात कर रहा हूं उसी के क्वेश्चन से एक तरह से। नॉर्दर्न पांचाल्स जो हैं उनकी कैपिटल क्या थी, अहिछत्रा थी, अहिछत्रा। और जो साउदर्न पांचाल थे उनकी कैपिटल क्या थी, कांपिल्य। लेकिन एक और चीज याद रखना कि अगर पूछ लिया जाए कि जो एक ऐसा शहर बताइए या ऐसा जनपद बताइए
जो यमुना के दोनों किनारे पे बसा हुआ है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न साउदर्न कर रखा है, तो आप देखिए ये यमुना रिवर है, ये यमुना रिवर है, और यहाँ पे ही ये हो गया मान लीजिए नॉर्दर्न पांचाल, और इधर क्या हो गया साउदर्न पांचाल एनपीएसपी। तो इसीलिए यहां से भी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है कि यमुना नदी के दोनों बैंक्स पे दोनों किनारों पे कौन सा शहर था या फिर कौन सा महाजनपद था, तो आप पांचाल का नाम ले सकते हैं, और यही वो पांचाल है जहां से द्रौपदी थी, ये आपको याद रहेगा। फिर आगे विराटनगर की बात करते हैं, दैट वॉज यूज एज द हाइडिंग प्लेस बाय द पांडवास, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। फिर मथुरा की बात करते हैं, तो मथुरा वॉज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ टू फेमस ट्रेड रूट्स, उत्तर पथ और दक्षिण पथ, ये दो फेमस ट्रेड रूट थे, यहाँ इन्हीं रास्तों से व्यापार हुआ करता था, और वहीं पे मथुरा की लोकेशन थी। फिर जो कंबोजाज हैं, कंबोज वर रिगार्डेड एज अनकल्चर्ड बाय द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, यानी कि ब्राह्मण्स ने जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है, हमने पहले भी पढ़ा ना कि वेद जो है वो मंत्राज में ब्राह्मण्स में ऐसे डिवाइडेड है, तो वो जो ब्राह्मण्स हैं उसी टेक्स्ट के अंदर क्या दिखता है हमें कि जो कंबोज हैं ये इनको अनकल्चर्ड उसके अंदर बताया गया है, और जो बुद्धा है उन्होंने अपने आप को क्या बोला, कोसला बोला है, किसके अंदर माझिमी निकाया कोई बुक वगैरह होगी उसके अंदर बोला है। फिर ठीक है, ऐसी काशी जो है हैड एमर्ज्ड एज द क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बाय द टाइम ऑफ बुद्धा, जब बुद्धा थे उसी टाइम में क्या है कि काशी जो है क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन चुका था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके हो गए, महाजनपद के हो गए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फिर आगे जैनिज्म को, मेन मेन मैंने चीजें महाजनपद की बता दी आप लोगों को। अब ये महाजनपद, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब एक साथ एमर्ज हैं। आप ऐसे इसको मान के मत चलना कि पहले महाजनपद आया, फिर जैनिज्म आया, फिर बुद्धिज्म आया, जी नहीं, ऐसा नहीं है। और जैनिज्म बुद्धिज्म आए क्यों, ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अब आप समझिए कुछ ऐसे कि महाजनपद बन चुके हैं, उन्हीं महाजनपदों के बीच में किसी एक जगह पर रह रहे हैं जैन धर्म के संस्थापक, और दूसरी जगह पर रह रहे हैं बुद्ध धर्म के, ठीक है, यानी एक जगह पर बुद्धा बैठे, एक जगह पर महावीर बैठे, और ये सारे का सारा क्या हो गया आपका महाजनपद हो गए। अब यही लोग हैं जो इधर उधर ट्रैवल करेंगे और अपने धर्म का प्रचार करेंगे। क्यों जैनिज्म बुद्धिज्म की जरूरत पड़ी ये तो हम अगले सेशन में देखेंगे, बट अब ये तीनों चीजें एक साथ चलेंगी, पैरेलली चलेंगी, ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। गलती से भी ये मत सोच लेना कि अब महाजनपद खत्म, अब आगे क्या होगा। अब महाजनपद के जैसे ये जैनिज्म बुद्धिज्म कर लेंगे तो आगे इनके महाजनपद के जितने भी राजा हुए हैं, ये जब हम धनानंद की बात करते हैं मगध के अंदर, धनानंद तो बहुत बाद में आए हैं, इससे पहले कौन कौन आया वो सब देख लेंगे हम। तो यानी कि अभी मगध के जितने भी सम्राट हुए हैं आसपास के, या फिर जितने भी बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, सिर्फ मगध के नहीं और भी जितने बड़े सम्राट हुए हैं वो हम सारे देख लेंगे। और हमें आगे चल के ये भी देखना पड़ेगा कि ये तो देखिए नॉर्थ में हो रहा था सब कुछ, तो साउथ में क्या हो रहा था, साउथ की किंगडम्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।